दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हमने पिछले दो सप्ताह दोस्तों आपको आज की बात के इस कार्यक्रम में बंगाल के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में अपना विश्लेषण आपके सामने पेश किया, जो वहां के तथ्य थे, जो वहां से इंफॉर्मेशन थी, उसकी रोशनी में हमने अपनी बात आपसे कही। आपने पसंद किया, हमें अच्छा लगा। आज हम दो ऐसे प्रदेशों पर बात कर रहे हैं जिन पर अभी तक हमने बात नहीं की। एक प्रदेश है केरल और दूसरा असम, जहां चुनाव हो रहे हैं। और ये दोनों प्रदेश बंगाल की तरह, तमिलनाडु की तरह बहुत बड़े प्रदेश भले ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो केंद्र में सत्ताधारी दल है उसके शीर्ष नेता हैं। अभी आज ही देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर असम में हैं तो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं देश के, वो केरल में हैं। तो लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, जितने टॉप लीडर्स हैं इन प्रदेशों में भी लगे हुए हैं। केरल में 140 सीटें हैं और जबकि असम में 126 सीटें हैं। असम इसलिए भी महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वहां वो सत्तारूढ़ दल है। जितने चुनाव हो रहे हैं पांच राज्यों में, उसमें सिर्फ असम है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या सरकार वापस आएगी या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को अपदस्त कर देगा, एक बड़ा सवाल असम के बारे में है। लेकिन केरल के बारे में बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो मुख्य मातृ संगठन जिसको कहा जाता है आरएसएस, जो केरल में दशकों से काम कर रहे हैं और काफी गहमागहमी के साथ, काफी जोश के साथ तरह तरह के आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। अभी हाल में हमने सबरीमाला इशू पर देखा था क्या क्या हुआ वहां, लेकिन केरल में उनका खाता नहीं खुलता रहा है। पिछले चुनाव में दशकों बाद भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला था और त्रिवेंद्रम के, तिरुवनंतपुरम, उसके जो एक सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है नेमम, वहां से उसके बुजुर्ग नेता ओ राजगोपाल चुनाव जीत गए थे। वामपंथियों के गढ़ केरल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना, एक सीट हासिल करना भी सचमुच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसलिए बहुत ढोल पीटे, बहुत नगाड़े गूंजे, बहुत शंख बजाई गई और तमाम तरह के की खुशियां मनाई गई। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी नेमम की सीट दोबारा हासिल कर पाएगी? क्या वो अपने एक की संख्या से में इजाफा करेगी? ये एक बड़ा प्रश्न है और यही कारण है कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। और दोस्तों, ओ राजगोपाल जो नेमम से विधायक रहे हैं, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए कि वैसे भी वो 90 साल से भी ऊपर के हैं। वो तो उनकी सेहत अच्छी रही है इसलिए लगातार वो चुनाव या सक्रिय राजनीति में रहे हैं। हम शुभकामना देते हैं कि उनकी सेहत लगातार अच्छी रहे। उन्होंने पार्टी से कहा कि वो जिसको चाहे उसको चुनाव लड़ाए, लेकिन वो नहीं लड़ेंगे। लेकिन उनकी पसंद के हिसाब से उम्मीदवार वहां उतारा गया, उसके लिए वो कैंपेन कर रहे हैं, काफी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। क्या नेमम की सीट, जो प्रतिष्ठा की सीट है, वो वाकई ओ राजगोपाल अपने उम्मीदवार को जिता पाएंगे? इस बीच में ओ राजगोपाल साहब चर्चा में हैं। वो क्यों चर्चा में है, बड़ी दिलचस्प बात है। वो याद रखिएगा, वो सिर्फ विधायक नहीं है, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्यसभा के कई बार सदस्य रहे हैं, और मंत्री ही नहीं, वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। वाजपेयी साहब की सरकार में जब वो केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री थे, तो हम जैसे पत्रकार जो उन दिनों कवर करते थे भारत की पार्लियामेंट को, रिपोर्टर के तौर पे लगातार हम लोग कवर करते थे, तो उनसे मुलाकात भी होती रहती थी। और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं, साफ साफ बोलने वाले, बहुत डायनेमिक और सक्रिय रहे हैं। और उनमें जो उत्तर प्रदेश बिहार के आमतौर पर नेता हैं या मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के, उनकी छाप नहीं है, वो बिल्कुल अलग ढंग के नेता है। अब जबकि याद रखिएगा, वो एक कमिटेड प्रो आरएसएस बीजेपी नेता है, बहुत ही प्रतिबद्धता उनकी आरएसएस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति। लेकिन ओ राजगोपाल साहब
एक इंटरव्यू में क्या कहा गया सुनिए। उनसे इंडियन एक्सप्रेस के करेस्पॉन्डेंट ने 22 तारीख को 23 तारीख के आपके अखबार में छपा है यानी कल, उन्होंने सवाल पूछा कि केरल में भारतीय जनता पार्टी जगह क्यों नहीं बना पा रही है। इसका जवाब क्या दिया ओ राजगोपाल साहब ने? ओ राजगोपाल साहब ने कहा कि देखिए, केरल एक अलग किस्म का राज्य है, देश के कई अन्य राज्यों से अलग है। मैं इसलिए देख के पढ़ रहा हूं क्योंकि एक्यूरेट बात जाए, कोई गलती ना हो। 90% लिटरेसी है यहां, लोग अपने को तर्कशील और विवेकी मानते हैं, समझते हैं। 55% यहां हिंदू हैं, 45% माइनॉरिटीज हैं, इसलिए यहां दूसरे राज्यों की तुलना केरल से नहीं हो सकती। अब इसका क्या मतलब है? सवाल है कि केरल में भाजपा जगह क्यों नहीं बना पा रही है, और उसका जवाब वो ये देते हैं कि विवेकशील है, ज्ञान है, लिटरेसी, ज्ञान तो नहीं, लिटरेसी है, साक्षरता है। तो ये क्या पहलू, क्या ये माना जाए इस इंटरव्यू से कि जहां पर लिटरेसी ज्यादा होगी, जिन स्टेट में लोग विवेकशील होंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई मुश्किल पैदा होगी? और राजगोपाल साहब क्या ये कहना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने अब इंटरव्यू में कहा है इंटरव्यूअर से कि नहीं, भाजपा धीरे धीरे यहां भी बढ़ रही है। लेकिन ओ राजगोपाल जैसे एक मजे हुए नेता का यह कहना कि केरल चूंकि एक विवेकशील किस्म की जनता का प्रदेश है, यहां लिटरेसी बहुत ज्यादा है, लोग बड़े तर्कशील हैं, तो इसके बाद .. है, मतलब, और उसका अर्थ कोई कुछ भी निकाल सकता है। तो एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ओ राजगोपाल के दिमाग में ये बात है कि ज्ञान शिक्षा जहां होगी वहां भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के लिए मुश्किल है? तो ये नेताओं के बोल कई बार पोल खोल देती है। आखिर क्या उनके दिमाग में है, क्या उनके अंतःक्षेत्रा में क्या चल रही, कई बार वो मुंह पे चली जाती है बात। तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। और याद रखिए, वो राजगोपाल साहब वो नेता हैं जिन्होंने केरल में सीए के विरोध में, जो सारा विपक्ष वहां का था और सत्तारूढ़ दल तो था ही, तो उन्होंने सीए पर वो लगभग उसी तरह की पोजीशन ली, हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। और 3 किसान जो विधेयक हैं, कानून है, उन पर भी वो कृषि संबंधी जो कानून थे उन पर भी उनका स्टैंड लगभग यही था जो अन्य पार्टियों का था, लेफ्ट का या कांग्रेस का था। अब उसमें ये हुआ कि बाद में उन्होंने सफाई दी कि नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी पोजीशन को बरकरार रखा था वगैरह वगैरह, लेकिन तब तक बात सामने आ चुकी थी कि विधानसभा में जो उन्होंने पोजीशन ली वो लगभग उसी तरह की पोजीशन। तो और राजगोपाल साहब इस तरह के नेता हैं जिन्होंने ये बयान दिया है। और दूसरी बात जो दोस्तों केरल में है वो ये कि यूडीएफ जिसको लीड कर रही है कांग्रेस पार्टी, वहां भी कुछ स्थितियां इस बार बड़ी डिवाइडेड नजर आ रही है। पीसी चाको को आप जानती हैं, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो तो एक समय दिल्ली प्रदेश के राजनीतिक प्रभारी थे कांग्रेस पार्टी के, कई और प्रदेशों के भी, वो तो पार्टी छोड़ते चले गए एनसीपी की तरफ। इसके अलावा भी अन्य जो गुट हैं आपस में वहां पर एक अंदरूनी कला है। अब मुरलीधरन साहब जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, करुणाकरन जो फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर हैं उनके पुत्र हैं, वो नेमम की सीट से विधायक के रूप में लड़ रहे हैं। अब उनको पूरा सपोर्ट मिलता है नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं का, ये भी देखना होगा। बहुत दिलचस्प चुनाव हो गया है निमम का इस बार, ऐसा लगता है कि वो तिरुवनंतपुरम की किसी और सीट से क्या केरल की तमाम सीटों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्यमंत्री की विजयन की जो सीट है, पिनरी विजयन की, उस सीट पर कोई कॉन्टेस्ट नजर नहीं आ रहा है, वहां पर बहुत ही आसान सी लड़ाई हो गई है, तो कहना बड़ा कठिन है। वहां तो उम्मीदवार भी बड़ी पार्टियों को भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत कांटे की जो टक्कर वाली सीट है वो नेवम की सीट शायद इस बार बन गई है। देखना होगा क्या होता है वहां। और दूसरी बात कि यूडीएफ में ये संकट है, बीजेपी का आप देखिए, वहां वैसे भी वो स्टेट लेवल पर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो कहीं भी मुकाबले में हो कुछ एक सीटों को छोड़कर। तो ऐसे में क्या एलडीएफ पिनरई विजयन की अगुवाई में इस बार केरल में इतिहास बनाएगा? क्या वो 1977 के बाद दूसरी बार सत्ता में वापसी करने वाला गठबंधन साबित होगा? ये एक बड़ा सवाल केरल के बारे में उठाया जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, 1977 के बाद केरल में वो सरकार कभी वापस नहीं आई
जो एक पांच साल का कार्यकाल बिता चुकी थी। 1977 में के करुणाकरन जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उसके पहले अच्युत मेनन साहब सीपीआई के थे, वो मुख्यमंत्री थे और वही गठबंधन दोबारा आ गया था और करुणाकरन मुख्यमंत्री बने थे। भले ही मुख्यमंत्री बदल गए लेकिन गठबंधन वही रहा सीपीआई और कांग्रेस का। तो ये क्या रिपीट इस बार होने जा रही है एलडीएफ सरकार, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि हाल के वर्षों में पिनरई विजयन सरकार की जो कामयाबी है या जो उनके कामकाज है उन पर काफी हद तक केरल में एक एक्सेप्टेबिलिटी या प्रशंसा उनको मिली है, खासकर कोरोना दौर को लेकर, फ्लड को लेकर और तमाम इस तरह के इश्यूज पर, खासकर वेलफेयर स्कीम्स को लेकर। तो एक केरल के बारे में ये दिलचस्प बात, एक सवालिया एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। दूसरा जो जो प्रदेश मेरा है असम, असम के बारे में वहां के जितने टॉप नेता बीजेपी के हैं जो केंद्र से जा रहे हैं वो अलग अलग ढंग के दिलचस्प बयान दे रहे हैं। अब एक बयान आया जिसमें गृह मंत्री जी ने कहा देश के कि उन्होंने बहुत सारी चीजों की चर्चा की जिसमें एक चर्चा ये भी कर दी कि फ्लड मुक्त असम बनाएंगे अगर सरकार हमारी बनी तो। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर असम बना देंगे। अब सवाल यह है कि 5 साल से आप ही की सरकार थी हुजूर, ये जो बीजेपी की सरकार ही 5 साल से है, तो क्या 5 साल में फ्लड मुक्त बनाने का काम नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? तो अगले 5 साल में हो पाएगा इस पर कैसे कोई यकीन करे, और ये कैसे एक दावा बनता है किसी भी सरकार के लिए 5 साल जो रह चुकी हो, जो नहीं रही हो उसकी बात अलग है। दूसरी बात कि असम में अन्य नेता भी जो जाते हैं जो बयान देते हैं, अब सीए के बारे में, सीए के बारे में असम में बीजेपी बिल्कुल खामोश है। एनआरसी के बारे में वो कह रही है कि करेक्टेड एनआरसी लाएंगे, लेकिन वही बीजेपी जो केंद्र में सरकार चला रही है, जिस सीए को जो सबसे बड़ा नागरिकता कानून की बात मैं कर रहा हूं सबसे बड़ा अपना एजेंडा मानती है आजकल, वो सीए के बारे में बंगाल में कहती है कि ये उनकी सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में इसको लागू करने का हम लोग एग्जीक्यूशन ऑर्डर निकालेंगे, और असम बगल में है वहां वो बिल्कुल खामोश रह जाती है। तो ये बड़ा दिलचस्प है, ये भी पोल खोलने वाली बात है कि बोल कुछ है पोल कुछ और निकल रही है। और एक और बात जो असम के बारे में आई है दोस्तों, बड़ी दिलचस्प है, मैं नहीं जानता कितनी सही है, लेकिन चूंकि अखबार में छपी है और बड़े अखबारों में छपी है सारे, वो है अखिल गोगोई साहब वहां के किसान नेता हैं जो जेल में हैं, उन पर बहुत सारे धाराएं लागू हैं, और उन्होंने बोला है कि एनआईए जो देश की एक बहुत मशहूर एजेंसी है उस पर गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस में उनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया एनआईए की पूछताछ में, और ये भी कहा गया कि वो अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको तुरंत जेल से रिहा कराने के लिए जमानत दिलवा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही जो मैं समझता हूं कि अखबारों में जो छपी हैं बातें वो बहुत ही विचित्र हैं और इस इलेक्शन के मौके पर छपी हैं, और अखिल गोगोई चुनाव में बकायदे मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, उनकी एक छोटी सी पार्टी है जिसने अलायंस भी कर रखा है। तो ये जो बयान आए हैं नेताओं के वो बड़ी अजीब बात है, अजीब मैंने कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि बोल जो है वो जरूर राजनीति में तरह तरह के पोल खोल रहे हैं। तो दोस्तों असम और केरल पर हमारी छोटी सी पेशकश आज आपके सामने थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।